तो आखिर क्या होगा अगर लाखों की संख्या में जॉम्बीज इंसानों पे हमला करते हैं, और वो इंसान क्या अपनी जान बचा पाएंगे और क्या वो उन जॉम्बीज को मार पाएंगे? तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही मजेदार स्टोरी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जेरी। यही हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। उसके बाद हम उसकी वाइफ और उसके बच्चों को देखते हैं। ये लोग कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, जिसके कारण वो कार से उतर के वहां देखता है तो वहां पे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी हम वहां पे बहुत सारे जॉम्बीज को देखते हैं जो इंसानों पे अटैक करते हैं। वहां हम देखते हैं कि जॉम्बीज जैसे ही इंसान को काटते हैं, उसके बाद सिर्फ 15 ही सेकंड में वो आदमी जॉम्बीज बन जाता है। जेरी किसी तरीके अपनी फैमिली को वहां से बचा के बाहर निकलता है। जेरी एक एक्स CIA ऑफिसर होता है। वो अपने दोस्त को फोन करता है और वो उससे मदद मांगता है। उसका दोस्त उसे बताता है ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब दुनिया में कोई नहीं बचा है, हर जगह तबाही हो रही है। तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि उसको एक चॉपर की जरूरत है ताकि वो इस शहर को छोड़ के जा सके। तब उसका दोस्त एक चॉपर भेजने की बात कहता है। वो एक बिल्डिंग पे उन्हें आने के लिए कहता है। अब ये लोग कुछ खाने का सामान लेते हैं और साथ में अपने शरीर पे प्रोटेक्शन के लिए कुछ कपड़े बांध लेते हैं और ये लोग उस बिल्डिंग पे जाने लगते हैं। तभी वहां पे उनकी बहुत सारे जॉम्बीज से लड़ाई होती है, जिसमें एक जॉम्बीज का खून जेरी के चेहरे पे गिर जाता है। तब उसको ऐसा लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए वो बिल्डिंग के टॉप पे जाके किनारे पे खड़ा हो जाता है ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो तो तुरंत वो वहां से कूद जाएगा और वो अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 15 सेकंड बाद वो जॉम्बी नहीं बनता है। तभी वहां पे वो चॉपर आ जाता है और उन लोगों को किसी तरीके वहां से लेके चला जाता है। अब जेरी का दोस्त जेरी को और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह लेके आ जाते हैं, जहां पे उसकी फैमिली को रुकने के लिए एक कमरा भी दिया जाता है। उसके बाद वो जेरी को बताता है कि एक वायरस के कारण ये पूरी प्रॉब्लम हुई है और ये वायरस सबसे पहले कोरिया से शुरू हुआ। वहां पे एक आदमी को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया, लेकिन वहां पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसके बावजूद भी ये वायरस फैल गया और वहां सभी लोगों को मार दिया है। तो तुमको वहां जाना होगा, हम तुम्हारे साथ एक डॉक्टर को भेजेंगे ताकि वो वहां जाके उस वायरस का एंटीडोट ढूंढ सके। तब वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जेरी और वो डॉक्टर और आर्मी के कुछ लोग साथ मिलके कोरिया जाते हैं। वहां पे जैसे ये लोग लैंड करते हैं, वो जॉम्बीज इन लोगों पे भी हमला कर देते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब मारे जाते हैं। अब जेरी यहाँ ये सोचता है कि इन्हीं के सहारे हम यहाँ आए थे, अब हम यहाँ क्या करेंगे। लेकिन फिर भी वो उस कैंप में जाते हैं जहाँ पे अभी कुछ लोग बचे हुए हैं। वो लोग उस पहले आदमी की बॉडी को दिखाते हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड था। उन लोगों ने उस बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया था, लेकिन फिर भी उसकी फिंगर्स हिल रही थी। उसके बाद वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, तभी वहां पे एक पहले से कैदी बंद होता है। वो इन्हें इस वायरस के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, साथ में ये भी बताता है कि जेरूसलम में एक सेफ एरिया बनाया गया है, जहां पे एक बहुत ऊंची दीवार बनाई गई है ताकि कोई भी जॉम्बीज उसके अंदर ना आ पाए। तब वो जेरी से कहता है कि तुमको वहां जाके देखना चाहिए। जेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो वहां पे जाता है। जेरूसलम में एक बहुत ऊंची सी दीवार बनाई गई होती है और उसके अंदर वो लोग वहां के सभी लोगों को रखे होते हैं। वो सारे लोग वहां पे जश्न मनाते हैं। जेरी वहां जाता है और उस आदमी से पूछता है कि आपको कैसे पता था कि वायरस आने वाला है और आपने ये सेफ एरिया बनवाया, क्योंकि इसको बनवाने में समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही पता था वो वायरस आने वाला है। लेकिन वो उसका जवाब सही से नहीं देता है। जेरी उनसे कहता है कि इन लोगों को कह दो कि ज्यादा तेज आवाज ना करें, क्योंकि वो जॉम्बीज इन्हीं आवाज को सुनके इसके पीछे आते हैं। लेकिन वो आदमी बात नहीं मानता है। तभी बाहर से जॉम्बीज उस दीवार पे चढ़ने लगते हैं। वो एक एक करके अंदर भी आ जाते हैं और वहां के लोगों को मारने लगते हैं। तब वहां पे भगदड़ मच जाती है। जेरी देखता है वहां पे एक बूढ़ा आदमी होता है और जॉम्बीज उसको कुछ नहीं करते हैं। वो एक लड़के को देखता है और जॉम्बीज उसे भी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे वो किसी तरीके अपनी जान बचाता है। यहीं पे हम एक ऑफिसर को भी देखते हैं, जिसके हाथ में वो जॉम्बीज उसे काट लेता है।
तभी जेरी उसका हाथ काट देता है। ये लोग वहां से एक प्लेन की मदद से भागते हैं। अब ये लोग सेफली प्लेन में आ चुके थे, लेकिन पता नहीं कहां से उस प्लेन में भी जॉम्बीज आ जाते हैं और वहां भी लोगों को मारने लगते हैं। अब वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तभी जेरी एक ग्रेनेड निकालता है और वहां पे फेंक देता है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो सारे जॉम्बीज बाहर चले जाते हैं और वो प्लेन का क्रैश हो जाता है। इस प्लेन क्रैश में सिर्फ दो लोग बचते हैं, एक जेरी, दूसरी वो ऑफिसर। ये लोग WHA रिसर्च हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां पे वो लोग इनका इलाज कर देते हैं। वहां के रिसर्चर तब जेरी उन्हें बताता है कि मैंने देखा था वो जॉम्बीज किसी भी बीमार आदमी पे अटैक नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्वस्थ आदमी को ढूंढते हैं। अगर हम किसी तरीके से अपनी बॉडी में कोई बीमारी इंजेक्ट कर लें जिससे हम बीमार तो ना हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगे कि हम बीमार हैं, हो सकता है वो हम पे अटैक ना करें। WHA रिसर्च में पहले से ही एक जॉम्बीज पे रिसर्च चल रही थी जिसमें उन लोगों ने उसकी एक वैक्सीन बनाई हुई थी, लेकिन वो वैक्सीन बनाते समय वहां पे जॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। वो वैक्सीन एक कैबिन में रखी हुई है। अब इनको उस कैबिन से वो वैक्सीन निकालनी थी। अब यहाँ पे जेरी और कुछ लोग उसमें जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तभी वो जॉम्बीज उन पे अटैक कर देते हैं। वहां पे वो लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन जेरी उस कैबिन में पहुंच जाता है जहां पे वो उस वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद बाहर एक जॉम्बीज खड़ा होता है और वो उसके सामने जाता है, लेकिन वो जॉम्बीज जेरी को कुछ नहीं करता है। अब इन लोगों को उसकी वैक्सीन मिल चुकी थी। जेरी वहां से सारी वैक्सीन उठाता है और बहुत ही फ्रीली वहां से बाहर आता है, क्योंकि अब जॉम्बीज उसे कुछ नहीं करते हैं। अब वो बाहर आके वो वैक्सीन लगाता है और फाइनली अपनी फैमिली के पास जाता है और वहीं पे जेरी उससे मिलने के लिए जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अब दुनिया के सारे जॉम्बीज को किसी भी तरीके से मार दिया जाता है, चाहे उनको एक्सप्लोड कर दिया जाता है या एक एक करके मार दिया जाता है, और बचे हुए लोगों को वो वैक्सीन दे दी जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।